हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक और नई वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। आज हम करने वाले हैं हाइलाइट्स। ये एक्चुअली लंबे बालों पे करने जा रहा हूँ, ये मेरे क्लाइंट के बाल हैं। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन विद इगोरा, मतलब शॉस्कॉफ। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है अभी तक का, जो ब्लीच ब्लोंडर जिसको बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ इसको, मेरा फेवरेट हो गया बिकॉज इससे जो कलर करेक्शन आता है, ये मैंने नया लिया, अभी जस्ट ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने आपको दिखाने के लिए। ओके, तो आप बताइएगा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही है। तो इसको ओपन कर रहा हूँ इस तरीके से, इसमें से इसका जो रेशो रहेगा 1:2 का रेशो रहेगा। ओके, कुछ लोगों को आई थिंक पता नहीं है कि इसका रेशो क्या रहता है एंड इसमें कौन सा वॉल्यूम ने ऐड करना है। तो मैं रेशो बता रहा हूँ, 1:2 का रेशो है। वॉल्यूम 20, 30, 40 कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और मैं अभी 40 वॉल्यूम यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो ब्लोंडर का रेशो है वो स्कूप के अकॉर्डिंगली लिया है। जो स्कूप है इसके अंदर वो है 15 ml का, 15 ग्राम का। तो 30 ग्राम मैं ले लूँगा 40 वॉल्यूम। इसको मिक्स कर लूंगा अच्छे से मिक्स कर लूंगा और एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे हम फॉइल के साथ। इस बार मैं बिल्कुल लाइट कलर करने वाला हूं बालों का। तो जैसे आपको लगता है अगर पेस्ट जो है वो थिक बन गया है, ज्यादा थिक है, तो उसको आप वॉल्यूम और डाल के थोड़ा सा पतला कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक परफेक्ट थिकनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट की। अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, बॉक्स के एरिया को मैं बांध रहा हूं यहां पे। ओके, अच्छे से रोल करेंगे और क्लिप कर दूंगा। जैसे ही क्लिप कर दूंगा बाकी के बालों पे हम करेंगे हाइलाइटिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं, क्राउन एरिया भी ले सकते हैं, साइड एरिया भी ले सकते हैं, तो डिपेंड। मैंने अभी 4 सेक्शन बना लिए, बॉक्स एरिया, दोनों साइड का एरिया एंड बैक का एरिया। ओके, तो बॉक्स एरिया मैंने बहुत बड़ा बनाया, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पीछे के बाल खोल दिए मैंने, जहां मैंने एक सेक्शन निकाला हुआ है। हाँ, ग्लव्स पहनने मत भूलिएगा। जो लोग ग्लव्स नहीं पहनते हैं उनको धीरे धीरे एलर्जी शुरू हो जाएगा। तो यहां पे मैंने कॉम किया अच्छे से, वीव्स निकाला इस तरीके से। वीव्स निकालने से क्या होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जब आप हाइलाइट्स करते हो। तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ स्पेशल। इक्वल हेयर्स होने चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए जब आप वीव्स निकालते हो। मैंने थिक वाला फॉइल लिया है, मोटा वाला फॉइल लिया है। ओके, मैं टेल कॉम के ऊपर रैप करूंगा फॉइल को एंड रूट्स के पास फॉइल रख दूंगा। रूट से आधा इंच छोड़ के मुझे प्रोडक्ट लगाना है अच्छे से। बाल लंबे हैं, फॉइल छोटा है, तो कैसे मैनेज करना है आज वो सीखिएगा। मैं स्पेशली सिखा रहा हूं वही चीज कि उसको कैसे लगाना है। सो इस तरीके से बालों को ऊपर ले जाइए, पहले प्रोडक्ट लगा लीजिए, उसके ऊपर दूसरे नीचे वाले बाल आप फिक्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट अच्छे से लगाइए प्लीज,
प्रोडक्ट लगाने में कभी भी कंजूसी मत करिए। अगर आपका प्रोडक्ट लगा होगा तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज वहां पे जो ब्लीच का है वो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो पहले मैं ब्लीच कर रहा हूं बालों को, फिर कलर डिपॉजिट करूंगा, यही सबसे बेस्ट वे है। ओके, तो यहां पे मैंने एंड ऑफ द बॉक्स से स्टार्ट किया है। अभी मैं आ रहा हूं साइड के बालों पे, तो मैं एक सेक्शन ले रहा हूं ईयर के बैक में और वर्टिकल सेक्शन है, इसमें वीव्स निकाल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, वीव्स निकाल रहा हूं। मैंने फिर से फॉइल को रैप किया, आप बाल देख रहे हो कितना इवन लग रहे हैं, जो मैंने फॉइल के ऊपर लगाए हैं कितने इवन बाल लग रहे हैं। और हां, सबसे पहले बात यह समझिएगा कि जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे हेयर सॉल्यूशन वीडियो लिखा आ रहा है इंस्टाग्राम पे, आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड फेसबुक पे हेयर सॉल्यूशन करके मेरा एक पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं। तो जो भी न्यू अपडेशन होगी मैं उस पर अपडेट करता रहूंगा आपको। तो यहां पे भी उसी तरीके से लंबे बालों को इस तरह से मैंने मैनेज किया है। मोटा फॉइल है मेरे पास, अच्छे से लॉक करना है इसे। वीडियो को मैंने इसको भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूं आपको, बिकॉज ये वीडियो एक घंटे से ऊपर का था तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके छोटा किया है, 20-25 मिनट का बनाया है इसे। और ये हाइलाइट्स देख के आपको मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लेके अच्छे से बेस्ट वीव्स निकाले हैं इसमें, क्योंकि मुझे जिस चीज में मजा आता है वो मैं आपको वीडियो बना के जरूर दिखाता हूं। जितने टैंगल्स हैं पहले निकाल लीजिए, टैंगल्स निकाल के वीव्स निकालना शुरू कीजिए। इस तरीके से जो वीव्स निकाले हैं उस पे हम लगा लेंगे फॉइल पेपर, ये देखिए। तो अभी फ्रंट के हेयर्स में भी अच्छे से हाइलाइट्स दिखेगा। आप पता क्या, टाइम बाय टाइम जो भी आपकी चीजें रह रही हैं, मैं नहीं बता रहा हूं या आपने अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, या मेरा ईमेल एड्रेस है उस पर बताइए, क्योंकि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का एंड फेसबुक पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हो, और मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है। ओके, तो आप जाके मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है जो कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं या बाकी वीडियो में दिखा रहा हूं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दिए हुए, तो आप जाके वहां से खरीद सकते हो अमेज़न से। तो मैंने ये हेयर दो फॉइल लगा दिए, टोटल अभी तक 3 फॉइल लगे हैं। अभी मैं अदर साइड यहां पे मूव कर रहा हूं चेयर को, ताकि आपको ये एरिया भी अच्छे से दिख पाए। मैंने फिर से अच्छे से क्या किया है, वीव्स निकालना स्टार्ट किया है, वीविंग निकालना शुरू किया है, एंड देन इसको फॉइल पेपर लेके लगाना स्टार्ट करूंगा इस पे। देखिए मैं फॉइल को रैप कर रहा हूं, गोल कर रहा हूं टेलकॉम के ऊपर, टेलकॉम आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, मैंने फॉइल पेपर लगा दिया, अभी प्रोडक्ट लगाऊंगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको सीख के आप एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिश, प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट बन सकते हैं। जो एक छोटी छोटी चीजें आप सीख जाते हो ना, कि मैं कैसे बालों को पकड़ता हूँ, कैसे कॉम को पकड़ता हूँ, कैसे फॉइल पेपर लगाता हूँ, कैसे प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें देखने से ही आपको समझ में आएगा कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। क्योंकि इन फ्यूचर भी अगर आप जॉब करने जाओगे तो उनको आपका टैलेंट ही देखना है, आपके हाथ में क्या है, आप हाथ में कैसे काम करते हो, उनको सिर्फ वही देखना है, उनको नहीं पड़ी है आपकी एजुकेशन क्या है। यही आपकी एजुकेशन है, हेयर ड्रेसिंग ही आपकी एजुकेशन है। समटाइम्स मुझे लगता है यार मैं बहुत बोलता हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ, इतना सारा बोलता हूँ, पिछले 10-15 मिनट से मैं बोल ही रहा हूँ, है ना,
बैक टू बैक। ओके, आप ये देखिए कैसे लग रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ही सारे फॉयल्स लग जाएंगे हमको कलर रिजल्ट दिखा दूंगा और देन दिखाऊंगा कलर कौन सा डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए है ना, आप ये वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये पसंद आई है या नहीं आई। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए, अगर पसंद नहीं आई तो। ओके, कमेंट्स जरूर करिए प्लीज मेरे लिए।
ओके, यहाँ पे अभी टाइम हो चुका है, हमारे क्लाइंट के बालों का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। 50 मिनट तक मैंने ये बालों में ब्लीच रखा है, तो हम वॉश करने जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सारे फॉयल्स निकाल दूंगा मैं एक साथ, एक एक करके फॉयल निकालते रहो और पानी डालते रहो ताकि जितना भी ब्लीच बालों में है वो निकल जाए। ये निकालने के बाद हम कलर डिपॉजिट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कौन सा कलर हमें डिपॉजिट करना है। ओके, यही एक मेन चीज है जो आपको सीखना है कि कलर डिपॉजिटिंग, कलर करेक्शन, कौन से बालों में कौन सा कलर कैसे ऐड करना है, वही सबको मैं आपको दिखाने के लिए आज बैठा हूं और दिखा रहा हूं।
कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ध्यान से देखते जाइए, मैं अभी यहाँ पे अच्छे से सारे बालों में से फॉइल पेपर निकाल रहा हूँ ताकि जितना भी प्रोडक्ट है बालों में लगा हुआ वो निकल जाए। ओके, आफ्टर दिस कलर डिपॉजिट के बाद आपको शैम्पू एंड मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वो ज़रूर करें। तो यहाँ पे जैसे ही सारे बालों में से प्रोडक्ट निकल जाता है तो मैं लेके आऊँगा कलर, आपको दिखाऊँगा कलर कैसे मिक्स करना है और कौन सा कलर हमें मिक्स करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माजे लिफ्ट का नंबर 12.11, 20 वॉल्यूम के साथ 1:2 का रेशो मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से दोनों को, 20 वॉल्यूम एंड 12.11 लोरियल का माजी लिफ्ट का नंबर है। आप शेड कार्ड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कौन सा कलर करने जा रहे हैं। तो इसको अच्छे से जब मिक्स कर लिया, हम लेके जाएंगे बैक टू द शैम्पू चेयर। सेक्शन बाय सेक्शन मुझे बालों में अप्लाई करना है। देखो बालों जो हैं वो टैंगल्स हो चुके हैं, तो मुझे ध्यान से टैंगल्स निकाल के ये कलर डिपॉजिट करना है। देखते रहिएगा, बिकॉज यही एक मेन प्रोसीजर है। इसमें मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट या 15 मिनट कलर रखना है। अच्छे से लगा लूँगा मैं, कलर लगा लूँगा और मल्सीफाई करूँगा, जैसे हम स्पा क्रीम लगाते हैं ना बालों में, उसी तरीके से मुझे, या कलर भी करते हैं इसी तरीके से हम स्पा भी करते हैं, क्रीम एप्लीकेशन। वो लगाने के 15 मिनट बाद हमने क्या किया, शैम्पू करने के बाद मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लेके आके सीरम लगाया। सीरम लगा के अभी मैं करूँगा हेयर ड्रायर। तो कलर्स तो आई थिंक आपको दिख ही रहा है, बट स्टिल अभी ड्राई करेंगे तो और अच्छा दिखेगा और अच्छे से डिफाइन होगा। ओके, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। प्लीज आप कमेंट जरूर करें कि ये हाइलाइट्स आपको कैसा लगा। ओके, जस्ट सी इट, कितना नेचुरल, मतलब इतना वो नहीं लग रहा है कि गौड़ी गौड़ी, ज्यादा ब्राइट ब्राइट नहीं लग रहा है। अकॉर्डिंग टू, मतलब क्या होता है, जब भी आप ऐसे कलर चूज करते हो ना, तो क्लाइंट का स्किन टोन देखना बहुत ज़रूरी है, कि उनका स्किन का कलर अगर लाइट है तो उनको लाइट कलर बहुत सूट करेगा। इसीलिए मैंने इतना लाइट कर दिया, पता है, अब देखोगे बहुत ज़्यादा लाइट किया हुआ है। जैसे ही मैं इसकी पिक्चर्स अपलोड करूँगा ना, इसी में आप देखना लास्ट में, तो आपको समझ में आएगा ये कितना लाइट है। ये लाइट करने का मतलब ही यही है, क्योंकि वो खुद उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी ब्राइट है, लाइट है, स्किन है ना, तो उस पर यह कलर बहुत अच्छा सूट करता है। इवन मतलब इस स्किन टोन पे सारे कलर्स ही सूट करते, बट मैंने ये पर्टिकुलर कलर किया है। अभी रह गया बॉक्स का एरिया, अच्छे से टैंगल फ्री कर लेंगे बालों को और लगा देंगे, ड्रायर कर देंगे स्ट्रेट ड्रायर। इसके बाद मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगा कि इनके बाल कैसे दिख रहे हैं, और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। सारे बालों में ऑलमोस्ट कलर फिनिश हो चुका है। जस्ट सी इट, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम पिक्चर्स क्लिक करके ऐड करेंगे। जस्ट सी इट, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हिट द लाइक बटन। ओके, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।